चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स 108.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, जो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब जो साइन ए प्लस बी है वो इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के। मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। चलिए हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करके ही होगा वैसे भी। तो देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ए और बी की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। तो हमने ए की मान ली 30 डिग्री और बी की हमने मान ली 60 डिग्री, ठीक है। ए की हमने 30 डिग्री मान ली और बी की 60 डिग्री मान ली। आप चाहें तो किसी दूसरी मान सकते हैं। तो अब देखिए, साइन ए प्लस बी है तो साइन और ए पे 30 डिग्री और बी पर 60 डिग्री वैल्यू हम पुट कर देंगे, इक्वल्स टू साइन ए, ए यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, ए यानी कि 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना, और साइन 60 डिग्री की होती है 3/2। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए, साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है ना। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे इसका 2 का 1 से इंटू और इसका 3/√3 से, और ये दो आपस में इंटू कर लेंगे, है ना। तो देखिए देखिए यहाँ पे इंटू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन ही है 2, तो 2 यहाँ ही लिखा जाएगा और 1 प्लस 3। तो देखिए, जो ये साइन साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी है, ये देखिए इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1 प्लस 3/√2 आया है, तो इसमें हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। मैं तो अभी पेन से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से कीजिएगा, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो इंक्रीज होती जाती है जैसे कि थीटा इंक्रीज होता जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। तो इसमें मैं ट्रू कर देता हूँ और आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। देखिए, साइन थीटा का ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें जितना दिया हुआ है, तो साइन ए 0 डिग्री पे 0 ही रहेगा, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 जो 1/2 से ज़्यादा होता है, और 60 डिग्री पे 3/√2 जो कि 1/√2 से भी ज़्यादा होता है, और 90 डिग्री 1, ये इन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें हम ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज है एज थीटा इंक्रीज है, जो वैल्यू होती है कोस थीटा की वो इंक्रीज होती जाती है जैसे कि थीटा इंक्रीज होता जाता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए 1 है, 1 के बाद 3/√2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 और 0। तो यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू घट रही है क्योंकि ये साइन ए का उल्टा होता है कोस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू घट रही है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। देखिए, फिर 4th क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल होगा कोस थीटा के लिए जितनी वैल्यूज होंगी थीटा की। तो देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कोस 30 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इक्वल्स टू 3/2, है ना। मतलब इसमें तो मैंने पूछा, इसमें मतलब ये कहा गया है कि साइन थीटा है वो इक्वल होगा कोस थीटा के, तो ऐसा नहीं, मतलब साइन थीटा की जितनी वैल्यूज होंगी वो कोस थीटा के वैल्यू के बराबर होंगी, तो ऐसा नहीं है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसमें हम लिख देंगे फॉल्स, है ना। अब आखिरी क्वेश्चन है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। मतलब कोट ए कितना है, 0 डिग्री दे दिया, है ना। कोट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं हम, नॉट डिफाइंड ही होता है कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं एक बार वापस से आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, कोट ए, जो कोट ए है इज़ नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर ए कितना हो, 0 डिग्री हो। ए क्या है, थीटा होता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ए होता है वो थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है।